आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अब जो पीडीएफ है, मैं प्रॉपर यूट्यूब पे आऊँगा, डेली 6 से 7 लेक्चर बहुत हो गया। तो जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो तालिबान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान पे, प्रॉपर कंट्रोल तालिबान का अब आता जा रहा है। बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है। लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस के आगे लंबी लाइन है, डेली 10,000 के करीब लोग सुबह 5 बजे से लग जाते हैं, बॉर्डर एरिया पे लंबी लाइन है, भागते हैं, वो रिफ्यूजी बन जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत फ्रेंडली, स्पेशली भारत का। तो भाई भारत ने तो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो भारत से तो वैसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों जब ये देखते हैं ना हम कि अफगानिस्तान में इतना खूबसूरत देश अफगानिस्तान हर इंडेक्स में सबसे पीछे, जिसकी शुरुआत 1979 से हुई थी जब आतंकवाद यहाँ पे पनपा, उसके पहले आपको बता दो अफगानिस्तान वॉज वेरी वेरी स्टेबल। अफगानिस्तान में हिपीज के लिए सबसे फेवरेट जगह थी अफगानिस्तान, आपको पता है। अफगानिस्तान में फॉरेन टूरिस्ट भर भर के आते थे, लेकिन 1979 में सब खराब हो गया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब जाते थे, छुट्टियां मनाते थे, गांजा खर्च फूकते थे, नशा था ऐसा अफगानिस्तान में, बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों 1979 सब कबाड़ा हो गया, और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे भैया पहले तो सितंबर में बोला था अमेरिका, लेकिन अब जिस तरीके से अफगानिस्तान हमले कर रहा है, अफगानिस्तान ने बोला, अमेरिका ने बोला कि भैया अगस्त तक बोरिया बिस्तर मान के निकल जाएंगे, और हालत खराब हो गई। अब सरकार के इंपॉर्टेंट शहर, ऐसे तो कंटेस्टेड एरिया से भी हम देखेंगे, लेकिन अब सरकार का जो कंट्रोल था जिन शहरों पर, वो भी तालिबान लेना शुरू कर दिया है। अब एक न्यूज़ की माने, पता नहीं, देखिए इस पर हम पूरा पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार जो है, अफगानी सरकार लगातार चीज़ों को नकार रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जब आप न्यूट्रल मीडिया को पढ़ेंगे, बीबीसी को पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि जब पढ़ेंगे आप न्यूट्रल मीडिया को, ठीक है, तभी आपको पता चल जाएगा कि हालत बद से बदतर हो गई है। तो तालिबान जो है वो धीमे धीमे शहरों को ले रहा है। और अभी अगर बात करें तो ये कुंदूस और सारेपुल, ये जो दो प्रोविंशियल कैपिटल हैं, इनको भी, इन पर सरकार का कंट्रोल था, अफगानी सरकार का कंट्रोल था भाई, इनको भी ले लिया। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ गिर गई है। ऐसा मत करो, मैंने सोचा था कि इस टाइम तक 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये मेरी गलती है कि मैं यूट्यूब पे नहीं था। करो सब्सक्राइब, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे। तो ये आप देखो, यहाँ पे जो कंटेस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ कंटेस्टेड मतलब जहाँ अफगानी सरकार और तालिबान लड़ाई कर रहे हैं कंट्रोल के लिए, ये पीले में है। और ये जो पीले में है ना, यहाँ पे भी दोस्तों जो ज़्यादा कंट्रोल है वो तालिबान का ही है, तालिबान का कॉन्फिडेंस इस समय बहुत हाई है, ठीक है। ब्लू में सरकार का कंट्रोल है। अब ये देखो कुंदूज आपको दिख रहा है ना, ये यहीं पे सारे पुल भी है, ये है ब्लू में, ये अभी तक देख रहे हो सरकार का कंट्रोल था, लेकिन अब यहाँ पे तालिबान का कंट्रोल आ गया। साथ ही साथ जरांज तो देख रहे हो ना, जरांज यहाँ पे भी पहले सरकार का कंट्रोल था, अब यहाँ पे तालिबान का कंट्रोल आ गया है। ये काबुल है, काबुल जिस दिन काबुल गिरा, ये बोला गया था ना अभी पिछले ही महीने रिपोर्ट आई थी अमेरिका ने कि 6 महीने के अंदर अंदर काबुल गिर जाएगा, काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान की, तो जिस दिन काबुल गिरा उस दिन अफगानिस्तान खत्म, तालिबान का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। अभी नॉर्दर्न आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न सिटीज में तालिबान का कंट्रोल आ गया है, यहाँ लगभग 280,000 के करीब लोग रहते हैं। और कुंदूज बड़ा स्ट्रैटेजिक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तालिबान ने कंट्रोल जमा लिया है। निमरोज प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि मुश्किल होता जा रहा है सरकार के लिए डिफेंड करना। अब इधर अशरफ घनी जो है वो पूरी दुनिया में मदद मांगते हुए फिर रहे हैं, अशरफ घनी पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं। आप ये देखो जरा, ये हेरात, ये भी कंटेस्टेड एरिया है, बहुत जल्द ये भी खत्म ही हो जाएगा। आप जरा ये ईस्टर्न पार्ट देखो, वेस्टर्न पार्ट देखो, कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल तालिबान का आ गया है। नॉर्दर्न पार्ट देखो, ये वाला एरिया तालिबान के कंट्रोल में है। साउथ में भी इंपॉर्टेंट एरियाज तालिबान के कंट्रोल में आ रहे हैं, कांधार और काबुल बड़े इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत जल्द तालिबान यहां पे भी कंट्रोल कर लेगा। अमेरिका का जाना,
अमेरिका समझ नहीं रहा है, अमेरिका को कुछ करना चाहिए था या सारे देशों को मिलकर कुछ करना चाहिए था, ये बड़ा खराब हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। अब अशरफ घनी पाकिस्तान को भाई लताड़ते हैं कि भैया है पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे जो लड़ाके मिले हैं वहाँ पे पाकिस्तान की आईडी मिली है, प्लस तालिबान लड़ाकों का इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों में हो रहा है, और इधर इमरान खान बोल रहा है आपको घबराना नहीं है। इमरान खान लगातार बोल रहे हैं, उनका तो फेवरेट डायलॉग है ना, और बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो खुद ही भुक्तभोगी हैं। खतरनाक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यही है कि तालिबान फाइटर्स ने दो प्रोविंशियल कैपिटल्स, स्ट्रैटेजिक सिटी ऑफ कुंडूज और सारेपुर, नॉर्थ में ही आते हैं, संडे को ये इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो तालिबान ने जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं कुंडूज में उनको अपने कब्जे में ले लिया। एयरपोर्ट को, हालांकि जो एयरपोर्ट का कंट्रोल भी सरकार के पास है, लेकिन बहुत जल्द एयरपोर्ट का कंट्रोल, लेकिन अभी भी सरकार के पास है एयरपोर्ट का कंट्रोल, मतलब तब तो गए काम से। हमने शानदार ज्योग्राफी का कोर्स बनाया दोस्तों, मैंने बनाया है एक्चुअली, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज से आपको ज्योग्राफी टफ नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है, और एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको सीधा 15% ऑफ मिलेगा, प्लस अगर आप माइंड कोर्स खरीदते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, तो उस पर भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है 6 to 12 तक, 11 तारीख से 11 अगस्त से ज्योग्राफी के लेक्चर्स शुरू होंगे, तो प्री बुकिंग है ये, उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो तालिबान ने वही है कि सरकारी ऑफिसर्स को ले लिया सारे पुल में, अब ऑफिसर्स को भगा भगा के मारा। यहाँ पे जो मोहम्मद नूर रहमानी हैं, जो सारे पुल प्रोविंस के प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने बोला भैया हमसे तो ना हो पाई, हम जा रहे हैं। अमेरिका ने वैसे ही बोला कि भैया अगस्त तक हम निकल जाएंगे, मिलिट्री मिशन हमारे खत्म, अब तुमसे हमारा नाता जो है वो खत्म हो गया, तो अब तुम देखो तुम्हारा काम जाने। ऐसा किया अमेरिका ने एकदम, जो बाइडन ने तो हाथ, देखिए जो बाइडन की इसमें गलती नहीं है, 20 साल अमेरिका रहा, बम से आधुनिक हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है, अमेरिका 20 साल रहा और अमेरिका को कुछ नहीं मिला, अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक दिए यहाँ पे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक दिए यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिला अमेरिका को, सिर्फ लाशें मिली हैं, 3,000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के यहाँ पे मारे गए हैं। तो उसके बाद जब पीस डील साइन हुई तो अमेरिका, जो बाइडन ने तो बोल ही दिया था भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये वादा किया था, अमेरिका घुस तो जाता निकल नहीं पाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो वैसे ही वादा किया था कि भैया हम तो निकाल लेंगे अपने सैनिकों को, फिर जो बाइडन है, जो बाइडन ने तो लगातार इसमें पुश करना है, पहले जो बाइडन ने मई तक बोला था कि मई तक, अभी ये मई जो अभी बीता है, मई 2021 तक हमारी सेना वहां से निकल जाएगी, फिर उन्होंने सेप्टेम्बर बता दिया कि 11 सितंबर को हमारी एनिवर्सरी है तो 11 सितंबर को हम वहाँ से निकलेंगे। अमेरिका में तो लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जब भी तालिबान कंट्रोल में आया है दोस्तों, पूरी दुनिया की बैंड बज गई, सबसे ज़्यादा भारत की, भारत को बड़ी टेंशन है, क्योंकि भारत ने $3 billion का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यार, वहाँ पर रोड बना रहे हैं जाहेदान रोड, वहाँ पर रेलवे लाइन बना रहा है, वहाँ पर डैम्स बनाए हैं, क्लिनिक हॉस्पिटल्स स्कूल्स बनाए हुए हैं, ऊपर से ISI कह रही है कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पर अटैक करो। तो फ्राइडे को इंसर्जेंट्स ने फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल, बहुत सालों में कैपिटल को कंट्रोल कर लिया है ना, जरान जब देखा ना साउथ में, जब सदर्न निमरोज प्रोविंस है उसकी कैपिटल को इन्होंने ले लिया तालिबान ने लगातार। अब देखिए साउथ में भी कंट्रोल है, बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ तालिबान चल रहा है कि एक एक तबका जाए साउथ में, वेस्ट में ऑलरेडी कंट्रोल है ही है, ईस्ट में कर लेंगे, नॉर्थ और साउथ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज है ना बेटा, यहाँ पे बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर एरिया पे सबसे पहले कंट्रोल करो ताकि बाहर से कोई मदद ना आ पाए, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग पार्टनर है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, गजब तरीके से कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है बॉर्डर एरियाज पे। तो लोकल पुलिस सोर्स ने यही बोला है कि जो कैपिटल है नॉर्दर्न ताखार प्रोविंस तालुकान, जो कैपिटल है वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, जो सिविलियंस वो भाग रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, बोल रही है कि जब तालिबान ने कंट्रोल किया था वो, तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, नहीं मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी, और उसके बाद मैंने खाली स्टोरी सुनी है कि तालिबान किस तरीके से औरतों के साथ सलूक करता था,
ऐसे भी खबरें आ रही ना कि तालिबान ने औरतों को एडप्ट करना शुरू कर दिया है, जहाँ जहाँ तालिबान का कंट्रोल है वहाँ वहाँ पर खतरनाक रूप तालिबान का चालू हो गया है, इसीलिए लोग वहाँ से भाग रहे हैं। बड़ा दुख होता है क्योंकि अफगानिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, तो सिविलियन बहुत प्रेशर में हैं और वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सैटरडे को शेबरगान में बहुत तगड़ी फाइटिंग हुई, ये जवजान प्रोविंस जो नॉर्थ में नॉर्दर्न एरिया में, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में कंटेस्टेड एरिया ज़्यादा है और तालिबान का कंट्रोल सरकार का कंट्रोल ज़्यादा है, तो जहाँ पे सरकार का कंट्रोल ज़्यादा है कंटेस्टेड एरिया में तो तालिबान को बोल रहा है कि अरे या तो हम जीत लेंगे तो बस वक्त की बात है, लेकिन जहाँ पे सरकार का कंट्रोल है उसको ज़्यादा टारगेट करो। तो जावजान के प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर शीर मोहम्मद ने बोला है कि ज़्यादातर जो शेबरगान का प्रोविंस है जो कैपिटल है वो तालिबान है, सरकारी बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें तालिबान के हाथों में आ गई हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हर चीज़ को डिनाई कर रही, कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम शेबरगान को बचाएंगे, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगी। लेकिन संडे को जब पूछा गया इन्हीं से कि अरे भैया क्या हुआ, बचा लिए शेबरगान को, कोई जवाब ही नहीं दिया इन्होंने जो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। कुंदूज में ऐसा हुआ कि अफगान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। तगड़ी लड़ाई का मतलब यही है कि तालिबान के पास वो चला गया है। अब शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ मिनरल रिच, बहुत मिनरल रिच है, और आपका रास्ता खुल जाता है सेंट्रल एशिया तक यहाँ से। और इस समय 270,000 के करीब लोग रहते हैं, तगड़ी क्लैशेस हो रही हैं, और लेट्स सी चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन हेल्थ ऑफिशियल्स ने अभी बोला है कि 14 बॉडीज जिसमें औरत भी हैं बच्चे भी हैं निकाली जा चुकी हैं, मारे जा चुके हैं और 30 लोगों से ज्यादा घायल हैं। आंकड़ा इसे बहुत ज्यादा होगा, याद रखिए। सरकार का जो हेडक्वार्टर है जिसमें गवर्नर हाउस भी आता है, पुलिस कमांड और नेशनल डायरेक्टोरेट, वो भी तालिबान ने कैप्चर कर लिया है सारे पुल में। अब बस भगवान का ही सहारा है, बड़ा मुश्किल है तालिबान मतलब लोगों के लिए और अफगानिस्तान सरकार के लिए चीज़ों को कंट्रोल में लेना। देखेंगे फिलहाल क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं होते, साइनिंग हो।